सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आप उसे इजीली देख सको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनएस स्टूडियो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त केतारा मेघवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल डिवाइस को पीसी के साथ कनेक्ट कर पूरा का पूरा मोबाइल स्क्रीन पीसी के जरिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी मेरे मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट कर रखा हूँ और जहाँ से मैं अपने मोबाइल को काफ़ी इजीली एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में मोबीजन नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहेगा और सेम नाम की एप्लीकेशन भी आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना रहेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपका प्रॉब्लम शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाकर उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाए और सेम आपकी एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाए, तो दोनों को आप ओपन कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और जैसे ही आप अपने पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो मोबीजन नाम का ऑप्शन आपके पीसी में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे क्लिक करके ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने मोबाइल जैसा स्क्रीन शो होगा, जिसमें लिखा रहेगा नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें लिखा रहेगा सबसे टॉप में यूएसबी और वायरलेस। दोस्तों, यहाँ पे आप दो तरीके से आप मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी डेटा केबल के जरिए या फिर वायरलेस वाईफाई के जरिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वायरलेस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास वाईफाई है। तो दोस्तों, यदि आप वायरलेस सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी रहेगी कि आपका जो पीसी और मोबाइल जो कनेक्टेड है वो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका मोबाइल पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप करना है और फिर पासवर्ड टाइप करना है, फिर कनेक्ट कर देना है। या फिर दोस्तों, आप गूगल प्लस के जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं और या फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने ईमेल आईडी के जरिए कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी तो टाइप कर रखी है, यहाँ पे मैं पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड अपने को मिलेंगे। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड हमें मोबाइल डिवाइस के अंदर जो मोबीजन का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमें टाइप करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल में आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल में ये टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपना मोबाइल को काफी इजीली अपने पीसी के साथ एक्सेस कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप यूट्यूबर है तो आपको ये ट्यूटोरियल काफी यूजफुल साबित रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो काफी यूजफुल और अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड भी कुछ ना कुछ इस चैनल के जरिए सीख सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो दोस्तों, नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।